गुड मॉर्निंग। मैं भी नया नहीं हूँ तो मैंने कपड़े भी नहीं बदले। अब थोड़ी जॉन विक की बात कर लेते हैं। जॉन विक चैप्टर 4 देखा हमने कल, बहुत प्यारी भाई, बहुत ही अच्छी मूवी। स्टोरी तो देखो वही है तो हर बार जॉन विक में होती है कि किसी ने किसी को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है जॉन विक को मारने का, उन्हें मारता है, उनसे बचता है, जो भी है स्टोरी तो वही है। रखकर एंडिंग थोड़ी अलग है। नीतीश ने तो बता ही दिया होगा एंडिंग में क्या हुआ था, ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में नीतीश चिल्ला रहा था एंड में क्या हुआ, तो तुमने देख ही लिया होगा जिसने देखा था ना, जो जो देख रहा है। अच्छी है मूवी, बहुत अच्छी है। एक्शन सीक्वेंस बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं एक्शन सीक्वेंस, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। कैमरा कुछ जगह पर तो कैमरा के एंगल है ना, एक मतलब एक एक्शन सीक्वेंस है तुम्हारा उसके बाद इंटरवल के बाद, तो उसमें कैमरा का एंगल हुआ है ऊपर से दिखा रखा है रूम्स के ऊपर से, कि वो एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा है ना, तो ऊपर से दिखा रखा है। कतई काउंटर स्ट्राइक वाली वाइब आ रही थी, काउंटर स्ट्राइक सी उसको वाली। तो भाई बहुत ही प्यारी मूवी, देखना चाहिए, सब देख के आओ। जो जॉन विक का फैन है देखो, जो नहीं है पहले के 3 पार्ट कंप्लीट करके फिर देख लो, अच्छी मूवी है, हॉल में देखने लगे एक्सपीरियंस है। बाकी जो जो गाजियाबाद क्रॉसिंग इस साइड रहता है भाई, एक सेकंड गाड़ी मोड़ लो, वो इंसान ना, एक तो मैं हॉल बता रहा हूँ, सॉरी गैलेक्सी ब्लू सफायर कॉम्प्लेक्स है क्रॉसिंग को पार करती, जहाँ पे हीरा स्वीट्स वगैरह उसी कॉम्प्लेक्स में। तो भाई उस कॉम्प्लेक्स का सीन क्या है, मैं यूएस सिनेमाज, और उसमें यूएस सिनेमाज नया नया खुला है, मतलब मैक्सिमम 6-7 महीने हुए होंगे जिस हिसाब की सफाई थी भाई। कितनी प्यारी स्क्रीन, ठीक है, कितना प्यारा साउंड, कितना मतलब बहुत सुंदर, उसमें साउंड भी अच्छा था, उसमें स्क्रीन भी अच्छी थी। अगर लॉबी एरिया होता है वो बहुत सुंदर था, जो वेटिंग एरिया टाइप होता है वो भी बहुत सुंदर था, उसका एम्बियंस बहुत सुंदर थे, बहुत ज़्यादा। पिछले ब्लॉग में डाल रखा है मैंने थोड़ा बहुत, उसमें देख के हो भाई जो आसपास रहता है, अच्छा एक्सपीरियंस है। साउंड भी उसमें वो थी हमारी टिकट, 4K स्क्रीन की क्वालिटी थी, 4K पिक्चर क्वालिटी विद डॉल्बी एटमॉस साउंड, तो भाई था वो कुछ बहुत सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर। तो देख के आओ जॉन विक, बाकी मैं नहा लूँ और कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या है इसका सीन। नहा धो के मैं बाहर हूँ, अभी बाहर आया हूँ, कुछ घर के काम हैं, 10-1 मिनट का काम है घर के आसपास ही है। इस काम को करने के बाद नीतीश के पास जाऊँगा अभी, और नीतीश के पास जाने के बाद अपने घर जाऊँगा, कपड़े चेंज करके मम्मी के साथ मार्केट जाऊँगा, उन्हें कुछ काम है मार्केट में, पीछे पड़ी हुई हैं, चल मेरे साथ, तो ही चल ले। पापा तो मतलब लेटे हुए हैं कि यार भी मन नहीं है मेरा, बाद में चलेंगे, तो बोलती कि मेरे साथ तू चल ले। मैंने कहा ठीक है भाई, कह रही थी तू कभी चलता मेरे साथ, तो आज तू ही चलेगा। मैंने कहा ठीक है मैं चल लूँगा, तो अभी थोड़ी बहुत देर में जाऊँगा। मुझे प्लान में चेंज होता दिख रहा है, मैं अभी नीतीश की गली के बाहर हूँ, ना नीतीश फ़ोन उठा रहा, ना दीपू फ़ोन उठा रही, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा उसके घर में। अब नॉर्मली मैं अंदर घुस जाता हूँ, पर आज है संडे, तो मैं एक्सपेक्ट करे बैठा हूँ, संडे की दोपहर हो रही है, सब सोना रहे हो घर में, तो मैं इसलिए नहीं जा रहा, तो मैं घर ही जा रहा हूँ यार, मम्मी के साथ काम ही निपटा लूँ। जैसा कि मैंने बताया था, मैं मम्मी के साथ मार्केट आया हूँ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ मम्मी मार्केट में, मेरा इस मार्केट में घंटाघर साइड। यहाँ मम्मी किस लिए हैं, यहाँ पे एक चाय पत्ती की दुकान है, हम स्पेशल वही चाय पीते हैं, उससे अलग चीनी वीनी यहीं से लेके आती है मम्मी, अच्छी दुकान है, और क्या ला रही थी बस, अभी तो मुझे यही पता है। बाकी पापा वाली गाड़ी के टायर डलवाए आगे के दोनों, अब इसके बाद मैं घर जाऊँगा, मुझे लग रही है प्यास। बट यहाँ पे 2 आवर्स होने, तो मैं गाड़ी से बाहर निकल नहीं सकता, इसलिए गाड़ी में बैठा हूँ। तो मम्मी से बोला कि कुछ पानी या पानी फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक टाइप्स कुछ नहीं आ रहा वापसी में, बस वेट कर रहे हैं भाई। गर्मी की बेस्ट चीज लस्सी, वो भी कूलर वाली, मलाई सुद्धा अपने मम्मी के देना है, बेस्ट गर्मी का। मम्मी का मार्केट का काम करवा के घर आ गया हूँ मैं, अब थोड़ी देर लेट जाता हूँ यार, 5:30 बज रहे हैं, 5 कह रहा हूँ, थोड़ी देर लेट जाता हूँ, फिर उसके बाद सिद्धार्थ आएगा शायद, उसे कुछ काम है, आया तो बाहर जाएंगे, वरना देखते हैं कुछ काम वाम हुआ या कुछ भी हुआ तो। मैं लेटने की सोच ही रहा था, नीतीश सिद्धार्थ का फ़ोन आ गया, नीतीश को भी कुछ काम है, सिद्धार्थ को भी कुछ काम है, तो इनके पास ही जा रहा हूँ, एक सेकंड गाड़ी निकाल लूँ। हाँ तो जा रहा हूँ अभी नीतीश के पास जा रहा हूँ, सिद्धार्थ वहीं आएगा, फिर एक दो काम है हमें, फिर देखते हैं भाई। लेट नहीं वाला था यार, बस मैं लेटा ही था मतलब, पर ठीक है यार, संडे है, सबको लगता है कि अपने अपने काम हो जाए, सब मिल भी लें। देखो भाई ये रहा, इसे मिल आया था मैं, इसे कुछ काम है, ये भी यहाँ आया, नींद में अभी भाई, अभी नींद में, ये तो 24/7 नींद में रहता है। मैं नींद में कहूँ, मैं तो नहा धो के तैयार हूँ, अभी गद्दा मिल गया ना, नाश्ता दिखेगा गद्दे पे नहीं भाई, काफ़ी टाइम बाद तो बैठा हूँ मैं, काफ़ी टाइम बाद, टाइफाइड था ना उसके, सही हो गया, टाइफाइड था भाई गाइस, इसके टाइफाइड, ठीक है भाई, तो ये पूछ रहे, मैं नहीं पूछ रहा, बेटर वो तो पता है।
ठीक हो गया अभी कल ऑफिस जाएगा हाँ टाइफाइड है अभी ऑफिस में कह दे अब तो 12 दिन तो पूरा क्यों कोई तो ऑफिस वाला देखेगा तो ही जा रहा है ना ऑफिस नहीं जाना तुम नहीं देखते हो सर तुम देखेंगे ऑफिस में कोई नहीं देखता लेकिन 12 दिन पूरे करना जरूरी है ना वरना लीव डाल दो लीव में डालूंगा महीने के 12 दिन एमड पास कर दे ऐसे ही तुझे वो बता रहा है तुम सारे ब्लॉग देखता हूं टाइम टू टाइम सही है गुड देख रहे हो भाई काम ये था भाई का लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा तो हमें देखना है कि चार्जर खराब है चार्जिंग पोर्ट खराब है उसलिए हम अभी अपने घर के पास ही दिखा रहे हैं यहाँ सोल्यूशन नहीं दिखा तो हम जाएंगे मेन मार्केट हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर फिर देखो यहाँ आगे हम हवा चल रही है तो इग्नोर मैं बाल दिखाते हैं फिर बताते हैं भाई चार्जर और लैपटॉप चेक हो गया है आउटकम इज ये चार्जर खराब है तो हम चार्जर नहीं लिया हमने हम चार्जर और इतना नहीं लेंगे खुद से तो अब हम कुछ खाएंगे हम भी यार कभी ऐसे थे कोई टेंशन नहीं खेल रहे हैं इन बेचारों को क्या पता कुछ साल बाद उनकी लाइफ ख़राब होनी शुरू हो जाएगी भाई दूध पी रहे हैं और बहुत ही बार ट्रिपिंग पे घूम रहे हैं अलग मज़ा आ रहा आंटी से देख लो भाई को भी घूम रहा है देखो मैंने कहा रहने घर बैठ जा कह रहा नहीं भाई जी नहीं लग रहा भाई ये आरडीसी का क्या माहौल हो रहा है अलग फेब होटल वाला माहौल उधर चलो फ्लैश मॉब चल रहा है तो आरडीसी में देख के बताते हैं भाई देखो आरडीसी में चल रहा है फ्री स्टाइल रैप बैटल बहुत खा रही है लोग देखो हम तो देखने आ रहे चले भाई यहाँ से चलो हम आए गौर सेंट्रल मॉल में जाऊँगा फिर घर फटाफट चेंज करके भाई यूपीएससी की तैयारी में गौर सेंट्रल मॉल में आए थे भाई को जॉगर का साइज बदलना है एक साइज छोटा आ गया भाई ने गिफ्ट दिया था मॉल में आके ना ऐसा लगता है कि कितनी मेहनत करते हैं मॉल में और इसके बाद भी ना चले तो कितना दुख होता होगा ना होता तो होगा उस जॉगर का साइज तो है नहीं ठीक है तो उस जॉगर को लेके घूम रहे हैं और ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा मैं कह रहा हूँ शर्ट ले ले और कुछ ले ले बुद्धि का मैं यहाँ आ गया शादी ब्याह के कपड़ों में आ जा भाई आ जा भाई जो मज़ा मॉल में नंगे पैर घूमने में है ना चप्पल उतार के वो मज़ा किसी चीज़ में नहीं तो कहीं ट्राई कर लिया इसने तेरा चेंज करूँ तो ये शर्ट अच्छी लग रही है लेकिन मैं कह रहा हूँ ले ले भाई बढ़िया लग रही है सीरियसली कह रहा हूँ ले ले भाई जीन्स तो डिसाइड हो गई तो आवाज़ नहीं आ रही तो जीन्स तो डिसाइड हो गई सही देखो ये जीन्स दिखा भाई गाइस को एक बार अंकल के लिए जीन्स लगा ये तो कहीं नहीं जाएगी 2 साल कहीं नहीं जा रही तो अब जीन्स डिसाइड हो गई अब हम जा रहे हैं साइनिंग ऑफ अब हम कुछ खाएंगे बिल करवाने के बाद निकल गए भाई हम यहाँ से अब कुछ खाएंगे गाइस आज बहुत टाइम बाद बैक टू बैक ट्रिपिंग में दीदी भाई कैसा लगा आपको दिखा भी दिया भाई घर आ गया था मैं घर आके बैठा ही था भाई आए हैं हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं घर बताया डिनर कि डिनर करने बाहर जा रहे हैं तो अभी डिसाइड कर रहे हैं मैं और यही है कि कहाँ खाया जाए भाई हम तो लास्ट में आरडीसी में खाने आ गए रणजीत भाई कुलचा लैंड के चूर चूर नाम कर ली भाई हम खा रहे हैं काठी कबाब और रुमाली रोटी काठी कबाब एंड रुमाली रोटी मैम तो बहुत अच्छी आ रही बाकी टेस्ट कर लेंगे अवेलेबल तो बता दी देखो भाई टेस्ट करके बताएगा आपको चल भाई चल सही है ब्लॉग के टाइम बढ़ा रहा करता रहे आराम से घुमाता रहे चम्मच कोई बात ना है कुछ बढ़िया है सही बता भाई मैं और खा लूँ देखो तो मैं टाइम नहीं खा लेता हूँ यार और बताओ सीख भी अंदर सीख की बात में देखेंगे इससे मैं क्या सीख मिलती है रुक बता दूँगी नाइस अच्छा है सौदा कुछ जल एंड पर खाने आ सकते हैं भाई अब हम खा रहे हैं निंजा मोमोज हथौड़ी बना के गया है मोमोज भाई अब हम आ गए हैं फलूदे वाले भैया पे बादाम मिल्क राजस्थान से है ना तो डोंट माइंड देयर एक्सेंट और लैंग्वेज घर में आ गया हूँ
खाना वाना हम लोगों ने खा लिया, बादाम शेक भी पिया थोड़ा सा। अब 10 बज रहे हैं, 10:15। थोड़ी बहुत देर में इसे एडिट वेडिट करके थोड़ा फ़ोन चला के सो जाऊँगा, क्योंकि कल है मंडे, कल जाना है ऑफिस, तो उसके लिए टाइम से सोऊँगा। तो आज के लिए इतना ही था।